सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, बैक टू बैक महेंद्र ब्लॉग। दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, तो फिलहाल मेरे गांव में जो है उत्तर प्रदेश बस्ती जिले में बहुत ही कड़क गर्मी पड़ी है। दोस्तों, इंतजार कर रहे हैं बारिश का, बट बारिश हो नहीं रहा है। तो खेत मतलब हमको जोतना है, तो अभी फिलहाल दोस्त मैं जा रहा हूँ डीजल लाने के लिए। और तब तक आप लाइक वाइक ठोक दो और बताना आप लोग कैसे हो, कमेंट कर देना दोस्तों, और क्योंकि कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो गाइस, ये रही अपनी बाइक और ये मैं जर्किन को रख चुका हूँ, जो कि डिब्बा, जो कि तेल इसी में लाऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खेत जोतना है, तो इसके लिए मुझे जर्किन में तेल लाना पड़ेगा। और भाई चलते हैं। तो फिलहाल भाई भी मैं अपनी बाइक का चेन टाइट करवाने के लिए आया था चौराहे पे, जो कि हो रहा है। यहाँ से फुल्की खाते हैं, उसके बाद चलते हैं डीजल लाने के लिए गाइस। और ये रही दुकान फुल्की की, जो दिखाता हूँ, अपनी भाई की दुकान फुल्की की, जो कि बहुत ही फेमस है, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस। कभी भी आप मतलब जो जो भाई हमारा गाँव जानते हो, यहाँ पर ज़रूर खाते हैं, और शाम के टाइम बहुत यहाँ पर भीड़ रहता है दोस्तों। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, आप लोग से ये दुआ है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन जो है आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो दोस्तों। तो कल का सीन कुछ ऐसा था दोस्तों कि मैं अपना ब्लॉग पूरा समाप्त नहीं कर पाया था। तो कुछ ऐसा बात हुआ कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं कल ब्लॉग को पूरा करके समाप्त कर दूँ। तो आज वो टाइम मिला है कि मैं आज ब्लॉग को शूट करूँ अच्छे से और समाप्त करूँ दोस्तों। तो आज जो खेत है मतलब वो जोतने वाला हूँ, और बारिश का भी मौसम है, अभी सनराइज होने वाला है, सूर्य देवता हमारे निकलने वाले हैं, पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पर वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज बारिश का मौसम है। और आज बहुत दिनों बाद है मतलब जो कि मतलब मौसम ठंडा हुआ दोस्तों, ने वर्दा बहुत गर्मी रहती थी, बहुत गर्मी, अब तक तो पूरा एकदम पसीना पसीना हम लोग हो जाते हैं। पर आज ऊपर वाले का देन है कि आज बारिश का मौसम है, और अभी हम खेत जोतते हैं। फिलहाल अभी हमारे पिताश्री जोत रहे हैं, जब वो थोड़ा बहुत थक जाएंगे उसके बाद हम जोतेंगे, उसके बाद वो भी क्लिप दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये रहा बिया जो कि धान का है। फिलहाल का इतना है, ये मैंगो है ना, ये पकना स्टार्ट हो गया है, और अगर एक बारिश हो जाए ना दोस्त, तो ये बहुत ही जल्दी से पक जाएंगे, और 15 से 20 दिन में सब आम पक के गिर जाएंगे, और सब आम का मौसम जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा ब्लॉगिंग हमारे सौरभ भाई करते हैं, जिस तरह से मैं भी कुछ टाइम बोला हूँ वैसा। और अभी जल्दी से दुआ करो यार, बारिश हो जाए उसके बाद आम सब पक जाए, और जल्दी से हम लोग खाने के लिए पाए। फिलहाल कैसे हैं ऋषभ, इनका स्कूल आज एक महीने बाद रीओपन हुआ है, तो इनका चेहरा देख सकते हो कैसा खिला हुआ है। और जब इनका स्कूल जाने का टाइम होता है तो इनका सारा दुनिया मतलब पलट जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो बाबू कैसा लग रहा है आपको स्कूल जाके आज ऋषभ? ओ भाई, तो आज से आपका स्कूल चालू, चलो स्कूल चलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, आप ब्लॉगिंग करो थोड़ा बहुत, बोलो कुछ, बोलो हेलो गाइस, आओ हम स्कूल जा रहे हैं, तेज बोलो। और गाइस, ये आम पक चुका है, इसको तोड़ते हैं और अभी खाते हैं कुछ टाइम में। एक नंबर भाई। तो फिलहाल गाइस, बारिश होना स्टार्ट हो गया, तो एक ही खेत जो हम जोत पाए हैं, और मैं सोचा मैं जोतूंगा, तो गाइस बारिश आ गया, तो अब यहीं पे बंद कर दिए जोतना। तो अभी नेक्स्ट टाइम जोतते हैं, तो फिर मैं दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में गाइस। और बारिश और बहुत ही ठंड मौसम है। तो गाइस, हमने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, तो नया हो तो मेरे चैनल पे चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।